वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जहाँ हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं बी सी एस एल जीरो टर्टी थ्री जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर का लैब है उसका वाइवा क्वेश्चन देखेंगे जो प्रैक्टिकल आपके होने वाले हैं अभी भी कुछ लोगों के कन्फ्यूजन दूर नहीं हो रहे हैं कि लैब में जो प्रैक्टिकल हमारा होने वाला है वो क्या वाइवा होगा या प्रैक्टिकल होगा कंप्यूटर के थ्रू या हमें वाइवा के बाद प्रैक्टिकल देने जाना होगा क्या अपने सेंटर्स पे सो so, इस इस कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगी आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं वीडियोस के मिडिल में मिडिल पार्ट में दूंगी तो वीडियो को देखते रहना एक थोड़ा भी पार्ट स्किप मत करना डेटा स्ट्रक्चर क्या है आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ लॉजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा इज कॉल्ड अ डेटा स्ट्रक्चर दे हैव टू पार्ट्स लीनियर और ियर ठीक है अब पूछ सकता है कि अरे भाई गोल्स क्या होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के इस तो इट्स मच रिच इनफ इन स्ट्रक्चर टू रिफ्लेक्ट द एक्चुअलेश रिलेशनशिप ऑफ डेटा इन रियल वर्ल्ड एंड सकेंड हो सकता है कि द स्ट्रक्चर शुड बी सिंपलर सिंपल इनफ टू फॉर इफिशेंट प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा आपको इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंस मिल जाएंगी क्वेश्चन uh, जो आपके uh, लैब में आता है ना कि ग्रू के ही स्टूडेंट के लिए और ये डेटा स्ट्रक्चर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके वाई, -वाई या इंटरव्यूज क्वेश्चन होते हैं उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है ठीक है तो वाई डज अपट्रैक डेटा टाइप्स मीन डेटा टाइप्स मीन्स क्या होता है एबस्ट्रैक डेटा टाइप्स डेटा टाइप्स इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यू एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दोज वैल्यूज वैल्यूज्रैक डेटा टाइप्स रेफर टू द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड सो so, uh, abstract data types refer to mathematical concept that define the data टाइप्स आपको आपसे क्वेश्चन लीनियर पूछे जाएंगे राइट right? लीनियर कहने का मतलब कि हल्के हल्के जैसे जाओ वट इज डेटा स्ट्रक्चर गोल्स क्या हो सकते हैं एब्सट्रैक्ट क्या है ठीक है तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे तो आपको सिंपली आंसर्स वन टू थ्री लाइन्स में देने हैं जैसे कि अभी मैंने बताया एब्सट्रैक्ट डेटा मीन्स क्या डेटा टाइप्स इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यू एंड सेट अपन दो वैल्यूज ठीक है An data refer to इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं आप ये भी बता सकते दो हो दो पार्टी एंड ऑपरेशनल डिफिनेशन या सबसे ज्यादा क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर में वाइवा में हो चाहे प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल हो आपके आ, न, स, न, सेंटर्स पे या कह लो आपकी आपके इंटरव्यूज हों ऑफिस वगैरह जॉब के लिए तो ये अब स्ट्रैक जो है ना एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेटा स्ट्रक्चर का जो कभी इसको मतलब अनदेखा नहीं किया जा सकता राइट तो स्टैक स्टैक क्या है स्टैक इज अ ऑर्डर ऑफ कलेक्शन ऑफ आइटम स्टैक क्या है कि एक ऑर्डर है जो कि कलेक्शन ऑर्डर ऑर्डर कलेक्शन है मतलब एक ऑर्डर में आ, किसी भी आइटम को कलेक्ट करता है स्ट्रैक इज अ डायनेमिक ऑब्जेक्ट साइज इज कॉन्स्टेंट चेंजिंग एज आइटम आर पुश्ड एंड पॉपड इसमें क्या होता है स्टैक में कि आपके दो चेंजिंग आइटम्स मिलते हैं जिससे आप पुश एंड पॉप का यूज़ कर सकते हैं पुश क्या करता है कि किसी भी आइटम को, को किसी भी कलेक्शन को किसी भी डेटा को पुश करता है अंदर की ओर राइट ऑप टू डाउन ठीक है टॉप टू डाउन पुश करता है एंड पॉप क्या होता है पॉप इज़ अ वर्क फॉर रिमूव डेटा एनी डेटा uh, या एलिमेंट किसी भी डेटा या एलिमेंट को रिमूव uh, करता है लाइक लाइक दिस किसी भी डेटा को पुश करता है डेटा एलिमेंट को एंड uh, ये जो होता है ना कि लास्ट इन फर्स्ट आउट ठीक है लास्ट तक एंड होता है एंड फर्स्ट आउट फर्स्ट आउट होता है राइट right? और क्या होता है कि स्टैक मेनी कंटेंट्स डिफरेंटर डेटा टाइप्स स्टैक इज डयर कंटेनिंग एंड

एरे क्या एक स्टैक का ऑब्जेक्ट है लाइक एग्जाम्पल देख लो नो आइटम नंबर ऑफ आइटम इज फिक्स एंड साइन बाई डिक्लेन ऑफ द एरे कैन बी होम स्टैक राइट सो अब क्या क्वेश्चन हो सकता है वो मीन बाई रिकर्सिव डिफिनेशन रिकर्सिव डिफिनेशन बहुत ईजी है डिफिनी ऑब्जेक्ट इन टर्म्स सिंपली केस ऑफ द इट सेल्फ एज इज कॉल्डिव डिफिनेशन वट इज सिक्वेंसर्च सिक्वेंटियल सर्च क्या हो सकता है आप जान सकते हो सिक्वेंटियल इज नथिंग बट इच आइटम्स इन दिदम्स बिगिंग दर्चिल मैच ऑक्सर इट्स एप्लीकेबल टू टेबल एंड ऑर्गनाइज आई दर एंड आई दर एज एन एरे एंड ऑर अ लिंक लिस्ट ठीक है अब लिंक लिस्ट क्या है वो आप डेटा बेस में ऑब्वियसली पढ़े होंगे और हमारे डेटा uh, स्ट्रक्चर में ही पढ़ना है कि लिंक लिस्ट है क्या सेवन क्वेश्चन हो सकता है कि वॉट एक्शन आर परफॉर्मड व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड ओके कह रहा है कि uh, कौन सा फंक्शन एक्शन uh, uh, कौन सा एक्शन परफॉर्म करता है व्हेन फंक्शन uh, होता है तो व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड आर्गूमेंट फंक्शन में क्या पास uh, क्या क्या हो सकता है आई I मीन mean, क्या पार्ट्स हो सकते हैं तो आर्गुमेंट को पास करता है लोकल वेरिएबल का लोकेट करता है करता है, एंड ट्रांसफर ट्रांसफरिंग करता है कंट्रोल ऑफ द फंक्शन राइट तो छोटे छोटे पार्ट्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें ठीक है और व्हाट एक्शन आर परफॉर्म व्हेन अ फंक्शन आर रिटर्न ठीक है तो रिटर्न फंक्शन में क्या हो जाता है रिटर्न एड्रेस को रिट्राइव करता है फंक्शन डेटाज एरिया को फिक्स करता है एंड ब्रांचेज इज अ टेकन टू द रिटर्न एड्रेस ओके वॉट इज लिंक लिस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि लिंक भी इसमें डेटा स्ट्रक्चर का उतना ही महत्वपूर्ण और इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है विच इज़ लीनियर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट बिकॉज लीनियर और नॉन लीनियर पार्टी पार्टीशन है डेटा uh, स्ट्रक्चर का जो कि लिंक लिस्ट जो है हमारा लीनियर के अंतर्गत आता है ठीक है तो uh, क्या है कि कलेक्शन ऑफ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स है विच इज़ कॉल्ड नोड्स राइट एंड वेयर द लीनियर ऑर्डर गिवन अ पॉइंटर एंड इच हैज टू पार्ट्स एंड फर्स्ट पार्ट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ द सेकंड पार्ट कंटेन एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड ऑफ लिस्ट लाइक लिंक लिस्ट में क्या होता है ना कि हर नोट जो होता है हमारा वो एक नोट से मिला जुड़ा हुआ होता है जैसे ए देखो ए का एड्रेस जो है हमारा बी से कनेक्टेड है बी नोड से और बी का एड्रेस सी नोड से कनेक्टेड है तो क्या है ना कि ये नोड है और ये एड्रेस है राइट और ये हैड है डेटा का एंड नेक्स्ट ये पार्ट होता है और बाद में जाके ये नल हो जाता है राइट सो so, अब आप कहोगे कि एडवांटेज क्या हो सकता है भाई लिंक लिस्ट का ओवर एरे array is what guest stack data structure the disadvantage of the array is unlike linked list it is expensive to insert and delete element of the array right but in linked list what each element in list container field that are called link or pointer right and which contains the address uh, of the uh, next element successfully uh, uh, element need not occupy adjacent, adjacent space in memory. And uh, we can apply binary algorithm in a short list. Why? So, uh, no, we can't apply binary algorithm, a binary search algorithm in uh, to the short linked list because ki is, there is uh, no number of index middle and element the list. And uh, kya sakte ki there is a drawback. In using linked list as a data structure, right? Overflow or underflow? Hota hai? when new data is to be inserted into data structure, but there is no available space? Uh, free storage linked list empty uh, situation is called overflow, right? And underflow is what when we uh, to delete data from data structure, and that empty that the, uh, the situation is called underflow. Overflow is what, कि जब किसी चीज़ आ, कोई भी एलिमेंट भर जाता है insert करते -करते, तो वो आ, और उस पर लिखा है ओवरफ्लो बट uh, 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 वही चीज जब डिलीट करते हैं वहां से तो वो एक इम्पिटी uh, होता है वो जगह जो है वो स्पेस जो है वो खाली होता है उसको अंडरफ्लो कहते हैं राइट एडवाइट एडवांटेज क्या हो सकता है एड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक So, there is no new need to cannot be uh, predicted when the program is written. And second is what key uh, there is no node declared must be remain allocated throughout its execution. What is query? Oh, sorry, what is Q? Q is what Q is the order collection of uh, items from which, uh, which items may be deleted at end. Okay? सो वॉट इज़ प्योरिटी क्यू तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोग प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लेना एंड uh, इस वीडियो में इतना ही आप देख लो जो भी बचाव खुचा है मैं आपको समझा दूँगी अगर कोई भी दिक्कत होता है सरकी सल, सर्कुलर लिक्स आ, लिस्ट जो है हमारा वो होता है कि हाँ तो मैं बोल रही थी कि सर्कुलर लिस्ट होता है ना कि आ, ये जो लिस्ट है लिकलिस का पार्ट है ठीक है सिंगलियल uh, uh, एक और लिस्ट होता है और ये सर्कुलर लिस्ट इज जो हमारा लास्ट नूड होता है ना वो कनेक्टेड uh, uh, होता है फर्स्ट नूड से ठीक है तो uh, इसको आप कह सकते हो कि लीनियर लिस्ट इज नेक्स्ट फील्ड ऑफ द लास्ट नूड व्हेन वेन नेक्स्ट फील इन द लास्ट नूड कंटेन पॉइंटर बैक टू फर्स्ट इट इज कॉल्ड सर्कुलर लिस्ट